राजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दुनिया भर मौजूद केओडी टीवी ने तकने सुनारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कादर सना मेज़बान न्यू सिटी चकसवारी, इसने एक टॉप व्यू है उसने पर खलते हुए और आज प्रोग्राम बनाया सी। वीकेंड है फिरने तुरने और सोचा तुसा कि नाल थोड़ा जहा इंजॉय करा, इसने विजिट करा, तुसा कि वीडियो दसने वीडियो तको और वीडियो के एंड तक जरूर तक है। बड़ी मजे की वीडियो होने वाली है तुसा वास्ते, तो नाल अपना कमेंट फीडबैक जरूर दिया है। कैमरे ने दूई साइड जुड़ने की तुसा कि दसने बाकी ने व्यू तो तुसा तको वीडियो। ये सामने दसने जी तुसा कि मैरा कांदी, ये पार मैरा कांदी ना एरिया और ए सामने ये पीछे कनेली ना एरिया है जी, रड़ा तक कनेली ना एरिया और ये अगर तकरीबन न्यू सिटी ना सेक्टर आ जाना डी और ये पीछे वो सामने तुसा कि गड्डियां लगनियां अच्छा उसन। थोड़ा जहा वैदर क्लाउडी जा तो शायद इतना दूर तक रेंज ना नज़र अच्छा, धुंध जी पई हुई है पीछे। ये मंगला डैम है पीछे और आई थिंक डांगरी बोवा ये साइड है ये थल्ले और ये नीचे। ये सामने जड़ा है ससुराल ना एरिया, मस्जिद भी नज़र आई रही है और ये बाजार है चकसवारी ना नाल इसने पीछे कल्याल पनियाम और बाकी जड़ा ये सारी आबादी जितनी भी इतना न्यू सिटी च आबाद है ये तकरीबन इन्ह एरिया नहीं मुतासर है। थल है जड़ा ना पंजे पीर ना मेला लगना उस पार सामने नज़र आई थी उस जगह, ठीकरिया ना एरिया तलवाड़े ना पिछे इसरे ना ये सेक्टर बी है ये जड़ा आबाद है और राउंड अबाउट तकरीबन लद्दड़ इस साइड ने जितने भी लोग मुतासरीन मंगला डैम सन वो इतने आबाद होए, क्योंकि लद्दड़ तकरीबन आलमोस्ट सारा ही डैमेज आई गया इस वजह तो इतने लोगों की मजबूरन इधर आबाद होना पाया। बड़ी बड़िया अपनिया जमीन ज्यादा यानी कि किलिया का मुरबिया था पर जमीन छोड़ी तो इतने मुख्तसर की जमीन है 10 मरले कनाली च अपना गुजर बसर आबाद किया इन्ह लोगों। अस इतने न्यू सिटी टॉप पर मौजूद हाँ और तुसा कि विजिट कराने अज न्यू सिटी एरिया ने ए सैक्टर है सामने जामिया मस्जिद है और वो सामने पिछे उसने बी सैक्टर है ये भी ए सैक्टर है इसने पीछे उसका कि कुछ सरकारी बिल्डिंगा भी नज़र आई रही सन और पिछलियाँ असा विलाओ कि तुसा कि वो भी दसियां सन सरकारी बिल्डिंगा जितनी भी डिस्ट्रॉय हो गई खराब हो गई उन्होंने पर वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल तुसा कि असा इस एरिए तो दसने बड़ी खूबसूरत हवा लगी दी है अच्छा एक मंदिर है इवनिंग टाइम तकरीबन सनसैट करीब ही है चढ़ चढ़े हुए इस वजह तो तुसा कि सनसैट व्यू नज़र नहीं आई रहा लेकिन असर ना तकरीबन टाइम हो चुके सामने कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है और बाकी इस तू अलावा ये एरिया तुसा कि दस्या सी इस साइड पर पिछे गोवंद बगोरना एरिए और इतों तकरीबन तुसा कि आलमोस्ट दूर दूर तक इतना अच्छो तो व्यू नज़र आई थी क्योंकि इतों नहीं नज़र आई रहा। ये इसने पिछे बड़जुना एरिया पिछे सार ने नज़दीक तरीन क्यों सार तो पिछे है लेकिन उसने नज़दीक तरीन और सामने इस्लामगढ़ कनेली वगैरह ये काफ़ी तू असानी इंसानी अख तो तक नहीं है लेकिन क्या शायद कैमरे ने इस नाम से इन्ना दसना वै और बाकी मंगला डैम उसने पिछली साइड जरा इस्लामगढ़ ना नीचे वाला इफेक्टेड एरिया वो भी तू नज़र अच्छा बड़ा खूबसूरत अच्छा एक व्यू है। वेदर इस टाइम अच्छा है और जिसकी वजह तो इतना बड़ी खूबसूरत ठंडी ठंडी हवा चली रही है, सर्दियाँ आस्ता आस्ता कूच करी रही हैं और गर्मियाँ फिलहाल खजान बहार बहार ने जड़े आमद आमद है और इस वजह तो तकरीबन सरूण तले तक आलमोस्ट नीचे तो आरा होना जाना जड़ा सुके वो खत्म हो गया क्योंकि खजान खत्म हो गया हूँ अल्लाह ने कमेना बहार ने दिहाड़े अच्छने वाले जिसनी वजह तू ये भी हर चीज़ पर बहार अच्छी जानी है और कल कोई नक्शे बिच बारिश भी है और इंशाल्लाह मजीद जड़ा इतने च बहार ने रंग दुबाला हो जा सन
इसी अस वैसे एक वीकेंड इंजॉय करने से आए सब बाहर महसूस किया कि तुसा कि भी इस वीकेंड इंजॉय शामिल किया जाए। तो उम्मीद है इस वीडियो चंगी लगती और फीडबैक अपना जरूर दे। चंगी जी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा सुनना मुलाकात उस उसे तोड़ी अल्लाह सुनने वाला फी अमानिल्लाह।